अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। मैं हूं मोहसिन, आप देख रहे हैं टेक्निकल एक्सट्रीम। मैं हाजिर हूं एक और न्यू वीडियो के साथ। दोस्तों आज मैंने आप लोगों के लिए टेक्नो की इस पॉवर डिवाइस का डिटेल पबजी टेस्ट। आज की इस वीडियो में हम इस डिवाइस के ऊपर पबजी को रन करने वाले हैं और देखने वाले हैं कि ये डिवाइस पबजी को किस मैक्सिमम ग्राफिक्स पर रन करती है। और इस डिवाइस पर जब हम पबजी को प्ले करेंगे तो साथ ये भी देखेंगे कि पबजी आप लोगों को कोई लैग वगैरह तो नहीं प्रोवाइड करती। इस डिवाइस के अंदर जब आप पबजी को प्ले करते हैं तो आप लोगों को कोई फ्रेम ड्रॉप वगैरह तो नहीं देखने को मिलता है। डिवाइस कुछ हीटिंग वगैरह का इशू तो नहीं प्रोवाइड करती आप लोगों को। बैटरी तो नहीं यहाँ पर ज़्यादा जल्दी ड्रेन आउट हो जाती है। और मेन चीज़ कि अगर आप गेमर और मेरी वीडियो पर आए तो आप लोग ये जानना चाह रहे होंगे कि ये डिवाइस पबजी का जायरो को सपोर्ट करती है नहीं करती है, और अगर जायरो इस डिवाइस के अंदर वर्क करता है तो जायरो में कोई डिले वगैरह तो नहीं देखने को मिलता। आज की इस वीडियो में हम इसको टेस्ट आउट करने वाले हैं कि ये डिवाइस जायरो के साथ आप लोगों को कैसी पबजी परफॉर्मेंस प्रोवाइड करती है और ओवरऑल पबजी की कैसी परफॉर्मेंस आप लोगों को इस डिवाइस के अंदर देखने को मिलने वाली है। उससे पहले कुछ मेन हाइलाइट्स के ऊपर बात कर लेते हैं जो कि इस डिवाइस को एक गेमिंग डिवाइस बनाती है। सबसे पहले इस डिवाइस की अगर प्राइसिंग की बात की जाए तो ये डिवाइस 25,000 रुपये की प्राइस टैग के अंदर पाकिस्तान की मार्केट में ऑफिशियल अवेलेबल की गई है। और अगर आप इस डिवाइस को अल सईद मोबाइल, जिनकी मोड़ समनाबाद सनावर सेंटर लाहौर के अंदर शॉप है, उनसे बाय करते हैं तो ये डिवाइस मेरे रेफरेंस से आप लोगों को 23,500 में मिल जाती है। तो वीडियो को एंड तक देख लीजिएगा और इंटरेस्टेड हो तो उनसे रब्ता करके आप लोग ये ऑफर को अवेल कर सकते हैं। आप लोगों को यहाँ पर मैं उनकी इन्फॉर्मेशन शो कर दूंगा, कॉन्टैक्ट करके आप लोग इस ऑफर को अवेल कर सकते हैं। इस डिवाइस की मेन हाइलाइटिंग फीचर्स की बात करूँ तो आप लोगों को यहाँ पे दिया गया है मीडिया टेक का हीलियो G80 का चिपसेट। अब G80 का चिपसेट एक 12 नैनोमीटर आर्किटेक्चर की टेक्नोलॉजी पर बना हुआ चिपसेट है। यहाँ पे CPU ऑक्टा कोर दिया गया आप लोगों को और GPU लगाया गया है माली वालों का G52 का। एक और इंटरेस्टिंग बात इस डिवाइस की कि यहाँ पे आप लोगों को 6GB की रैम दी गई है और साथ आप लोगों को 128GB की स्टोरेज दी गई है। नॉर्मली आप लोगों को 25,000 रुपये की प्राइस टैग के अंदर G80 का चिपसेट नहीं मिलता और उसके साथ ये कॉम्बिनेशन नहीं मिलती। जैसे कि G80 का चिपसेट अगर आप लोगों को इस प्राइस में मिल जाता है, जैसे Redmi 9 ने आप लोगों को प्रोवाइड किया पर वहां पे आप लोगों को 3/32 मिल रहा था, बट स्टिल यहां पे आप लोगों को 6GB की रैम दी गई है, 128GB की स्टोरेज दी गई है। और अक्सर जो गेमर यूजर होते हैं वो मुख्तलिफ गेम्स को डाउनलोड करते हैं और इसकी वजह से उनकी स्टोरेज काफी जल्दी फुल हो जाती है। तो स्टोरेज के रिलेटेड यहां पे आप लोगों को कोई इशू नहीं आने वाला। गेमिंग एक्सपीरियंस कैसा होने वाला वो आज की इस वीडियो में हम चेक करने वाले हैं। बैटरी के अलावा हिसाब से भी आप लोगों को कोई इशू नहीं आने वाला। काफ़ी बड़ी बैटरी इंप्लीमेंट की गई है इस डिवाइस के अंदर, लगाई गई है 6000 mAh की मोस्टर बैटरी और इसके साथ चार्ज करने के लिए आप लोगों को 18W की पावर ब्रिक दी गई है। तो ज़्यादा हम टाइम वेस्ट नहीं करते, अब हम अपने टेस्ट को स्टार्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम बैटरी लॉक की ऐप को ओपन कर लेते हैं और देखते हैं कि इस वक्त डिवाइस का बैटरी लेवल क्या है और डिवाइस का टेम्परेचर क्या है। तो डिवाइस का इस वक्त बैटरी लेवल है 48% और साथ आपको यहाँ पर जो टेम्परेचर दिया गया है यहाँ पे मिल रहा है 34.4 सेंटीग्रेड। यहाँ पर मैं इसका स्क्रीनशॉट भी ले लेता हूँ, जब टेस्ट को हम कंप्लीट कर लें तो चेक करेंगे कि डिवाइस कितने परसेंट जो है यहाँ पे बैटरी लेवल इंक्रीज हुआ है और साथ डिवाइस का जो बैटरी लेवल है कितना डाउन हुआ है और टेम्परेचर जो है वो कितना राइज हुआ है, ये हम बाद में एंड में चेक करेंगे, आपको शायद नज़र भी आ रहा हो। तो यहाँ पे अब हम पबजी को ऑन करने लगे, आपने देखना ये है कि पबजी कितनी देर के अंदर जो है ना वो ऑन होती है और आपको आपके मेन पेज पे कनेक्ट करती है। तो यहाँ पे ये देखिए, मैं अब पबजी को ऑन करने लगा, ये मैंने क्लिक कर लिया। अब आपने देखना पबजी कितनी देर के अंदर आपको आपके मेन पेज यानी कि होम स्क्रीन पर लेके आती है पबजी के। अब नेटवर्क का थोड़ा इशू हुआ था, इसी वजह से यहाँ पे स्टॉप वॉच नहीं लगा सका। जो जिस मोबाइल में स्टॉप वॉच यहाँ पे साथ लगाता हूँ उसी डिवाइस में मैंने डेटा कनेक्शन ऑन किया और हॉटस्पॉट के थ्रू यहाँ पे आप लोगों को नेट कनेक्ट किया और आप लोगों को यहाँ पे पबजी का टेस्ट दे रहा हूँ। तो इसी बात पर यार वीडियो को लाइक कर दो, सिर्फ आप लोगों के लिए। आप लोग यहाँ पे कहते हैं कि यार पबजी का टेस्ट जल्दी जल्दी अपलोड कर दो, तो आप लोगों के लिए रात के टाइम में पबजी का टेस्ट यहाँ पे मैं वीडियो बना रहा हूँ, फिर आप लोगों को एडिट करके भी अपलोड करनी है। चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा। यहाँ पर हम चेक कर लेते हैं कि पबजी के मैक्सिमम ग्राफिक्स आप लोगों को क्या देखने को मिलते हैं। तो पबजी के यहाँ पे हम ग्राफिक्स को सबसे पहले चेक कर लेते हैं। सेटिंग में गए, ग्राफिक्स में गए, तो यहाँ पे बाय डिफॉल्ट ये जो डिवाइस है आप लोगों को HD के साथ हाइपर पबजी के ग्राफिक्स शो करवा रही है। यहाँ पे आप देखें HD के साथ हाइपर, तो हम यहाँ पे शुरू से चल जाते हैं स्मूथ। स्मूथ के साथ आप लोगों को अल्ट्रा का फ्रेम रेट मिल जाता है
उसके साथ अगर बैलेंस पर जाएं तो बैलेंस पर भी आप लोगों को अल्ट्रा का फ्रेम रेट मिल जाता है। आगे हम जाते हैं एचडी पे, तो एचडी के साथ आपको हाई का फ्रेम रेट मिल जाता है। एचडीआर पर जाएं तो ये डिवाइस एचडीआर को सपोर्ट नहीं करती, और आप लोगों ने इससे पहले जीटी की परफॉर्मेंस देखी है तो किसी भी ऐसी डिवाइस के अंदर आप लोगों ने ये नहीं देखा कि आप लोगों को जीटी का चिपसेट दिया गया और एचडीआर की सपोर्ट दी गई हो। अब मैं इसको कलरफुल पर रखने लगा हूं और यहां पे ओके कर देता हूं मैं, और इस डिवाइस को जो मैंने यहां पे स्मूथ के साथ अल्ट्रा पर प्ले करेंगे। जितने भी प्लेयर्स होते हैं वो स्मूथ के साथ अल्ट्रा पर ही प्ले करते हैं, क्योंकि आप लोगों को पबजी का जो गेमिंग एक्सपीरियंस होता है ना वो काफ़ी ज़्यादा स्मूथ देखने को मिल जाता है। अब मैं यहां पे दो टीडीएम मैच खेलूंगा, एक टीडीएम मैच मैंने खेलना है स्मूथ अल्ट्रा के साथ, एक टीडीएम मैच खेलना है एचडी हाई के साथ, और एक थोड़ा सा इरेंगल मैच खेलेंगे जहां पे आप लोगों को कुछ जायरो का टेस्ट वगैरह दिखाएंगे और कुछ आप लोगों को दिखा देंगे कि टेक्सचर स्मूथ के साथ कैसे नजर आते हैं इरेंगल में, और टेक्सचर जो है एचडी के साथ हाई पर क्या नज़र आते हैं। तो यहां पे बिना टाइम जाए कि ये हम लगा लेते हैं अपनी ईवो ग्राउंड का। मैच मैंने लगा दिया है, देखते हैं कि अब कितनी देर के अंदर जो है ना आपका मैच लग जाता है। मैच हमारा स्टार्ट हो गया हुआ है। सबसे पहले तो देखिए आप लोगों को कुछ इस तरह का पबजी का जो है स्मूथ के साथ अल्ट्रा के ग्राफिक मिल जाते हैं। ये देखें स्काई आप लोगों को कुछ इस तरह का देखने को मिल जाता है, कुछ इस तरह के आप लोगों को टेक्सचर मिल जाते हैं। ये देखें आप लोगों को कुछ इस तरह के टेक्सचर मिल जाते हैं। अब मैं कुछ गेम प्ले करता हूँ, चेक करता हूँ इसको कि पबजी स्मूथ के साथ अल्ट्रा पर कैसी वर्क करती है, और फिर आप लोगों को बताता हूँ कि मेरा कैसा एक्सपीरियंस रहा है इस एक गेम प्ले के बाद। स्टिल अभी तक पबजी के मैच मैंने लगाया हुआ है, ये पहला मैच ही चल रहा है और मुझे कोई भी इशू नहीं आ रहा। यहाँ पे स्कोप भी काफ़ी अच्छी तरह से ओपन हो रही है, स्कोप ओपन करने में भी कोई इशू नहीं आ रहा, किसी किस्म का कोई इशू नहीं अभी मुझे देखने को मिला टेक्नो की इस पावर डिवाइस के अंदर। काफ़ी स्मूथ जो है पबजी की गेम प्ले वर्क कर रही है, किसी किस्म का कोई इशू मुझे यहाँ पे देखने को नहीं मिल रहा। अगर वर्किंग की बात की जाए तो वर्किंग भी जो है बिल्कुल सही वर्क कर रही है प्रॉपरली, कोई लैग कोई फ्रेम ड्रॉप किसी किस्म का कोई भी इशू अभी तक मुझे इस डिवाइस के अंदर देखने को नहीं मिला। फर्दर मैं इसको और चेक करता हूँ, यहाँ पर चेक करता हूँ कि पबजी का जो गेम प्ले है वो आप लोगों को कैसा यहाँ पर एक्सपीरियंस प्रोवाइड करते हैं। तकरीबन एक गेम प्ले मैंने पूरा खेला, तकरीबन 6 से 7 मिनट का गेम प्ले गया टीडीएम मैच का, जिसको मैंने स्मूथ के साथ अल्ट्रा पर खेला। हीटिंग का कोई इशू नहीं मिला मुझे, ना अपसाइड से हीट हुई है डिवाइस, ना बैक साइड से हुई है, हैंड में पकड़ते कोई भी हीटिंग वगैरह का नहीं इशू मिला, हैंड ग्रिप में कोई इशू नहीं मिला, यहाँ पे आप लोगों को कोई लैग नहीं मिला, कोई फ्रेम ड्रॉप नहीं मिला। मैंने स्लिप्स भी लगाई, फायर भी किए, हर चीज़ बिल्कुल एक्यूरेट वर्क कर रही थी, किसी किस्म की मुझे यहाँ पे कोई इशू नहीं मिला। अभी मैंने सिर्फ एक गेम खेली, यहाँ पे एक टीडीएम खेला मैंने यहाँ पे स्मूथ के साथ अल्ट्रा पे। अब मैं यहाँ पे अपनी सेटिंग्स को चेंज करने लगा हूँ और अब मैं एचडी के साथ हाइपर गेम खेलने लगा हूँ, और चेक करने वाला हूँ कि एचडी के साथ हाइपर यहाँ पे टेम्परेचर वगैरह तो इंक्रीज़ नहीं होता, टेम्परेचर राइज तो नहीं हो जाता, स्क्रीन जो है अपसाइड से हीटिंग वगैरह का इशू तो नहीं प्रोवाइड करती, और एचडी के साथ जब हाइपर खेलते हैं तो कोई फ्रेम ड्रॉप या कोई लैग वगैरह तो नहीं देखने को मिलता। और उसके बाद आप लोगों को मैं जायरो का दिखाऊंगा कि जायरो उसमें वर्क करता है या नहीं वर्क करता, और वर्क करता है तो डिले वगैरह तो नहीं देखने को मिलता। तो यहाँ पर हम दोबारा अगेन एक टीडीएम लगा देते हैं, टीडीएम मैंने यहाँ पे स्टार्ट पर क्लिक कर दिया, देखते हैं कि अब जो है ना आपको
HD के साथ हाइपर कैसी गेमिंग परफॉर्मेंस मिलती है यहाँ पे। बाय द वे मुझे बताइएगा कि आप जो है वो क्या मैक्सिमम ग्राफिक्स रखते हैं आपके डिवाइस के अंदर, क्या मैक्सिमम ग्राफिक्स इस पर सपोर्ट है, और जो सपोर्ट है उस हिसाब से आप स्मूथ के साथ या अल्ट्रा पर रखते हैं, एक्सट्रीम पर रखते हैं, या फिर HD के साथ आप जाते हैं, या HDR पर आप जो है अपनी गेम्स को खेलना पसंद करते हैं, मुझे कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। यहाँ पे आप देखिए HD के साथ हाइपर आप लोगों को कुछ इस तरह की जो है ना टेक्सचरिंग मिल जाती है, ये देखिए आप लोगों को यहाँ पे बेसिकली शेडो मिल जाते हैं, थोड़े डार्क मिल जाते हैं। आप ग्रास को देखें, यहाँ पे ग्रास आप लोगों को कुछ इस तरह की देखने को मिल जाती है। स्काई देखें आप लोगों को कुछ इस तरह का देखने को मिल जाता है, और आप लोगों को यहाँ पे देखें कुछ इस तरह का आप लोगों को एक्सपीरियंस मिल जाता है। यहाँ से देखें ये कुछ इस तरह का, यहाँ पर आप देखिए कुछ आप लोगों को इस तरह की वर्किंग देखने को मिल जाती है। टेक्नो की इस पावर डिवाइस के अंदर वर्किंग का भी कोई इशू नहीं आता। साउंड अगर आप लोगों को मैं यहाँ पे चेक करवाऊँ तो इसका साउंड मैं फुल कर देता हूँ, ये देखिए आप लोगों को कुछ इस तरह का साउंड मिल जाता है। पर अगर आप इसको थोड़ा कम कर दें क्योंकि नीचे की तरफ, अगर आप इसके साउंड को थोड़ा कम कर दें क्योंकि नीचे की तरफ आप लोगों को कोई स्पीकर ग्रिल नहीं मिल रही, तो उस वजह से आप लोगों का साउंड जो है थोड़ा कम हो जाता है। पर जो ही आप इसको लाउड पर रख के यूज़ करते हैं तो आप लोगों को कोई इशू नहीं आने वाला। मैं ज़रा यहाँ पे गेम प्ले खेल लूँ और आप लोगों को बताता हूँ HD के साथ हाइपर क्या एक्सपीरियंस मिला मुझे। स्टिल अभी तक मैच हमारा ख़त्म होने वाला है, मुझे किसी किस्म का कोई भी इशू नहीं इसमें देखने को मिला, बिल्कुल स्मूथ वर्क कर रही है। HD के साथ हाइपर भी डिवाइस के और जो स्क्रीन है वो बिल्कुल भी हीट नहीं हुई, किसी किस्म का कोई इशू मुझे अभी तक देखने को नहीं मिला। मेरी दूसरी गेम यहाँ पे ख़त्म होने वाली है और अभी हम HD के साथ हाइपर गेम प्ले कर रहे हैं। मैंने दो गेमें खेल ली हैं और अभी तक मुझे कोई भी इशू नहीं मिला। यहाँ पे स्क्रीन भी ना हीट हुई, ना बैक साइड पे कुछ हीटिंग मिली, यानी कि हैंड में पकड़ के जो आप लोगों को हीटिंग महसूस होती है ना उसका कोई इशू नहीं मिला। रूम टेम्परेचर पे खेल रहा हूँ, कोई AC वगैरह नहीं है, फ़ैन वगैरह नहीं चल रहा, सिंपली आप लोगों को रूम के अंदर गेम प्ले दिखा रहा हूँ, तो यहाँ पर कोई भी हीटिंग वगैरह का इशू नहीं मिला मुझे अभी तक। अब मैं यहाँ पर आप लोगों को बैटरी लॉक की ऐप ओपन करके बता देता हूँ कि इस वक्त जो बैटरी का लेवल है वो 43% है और टेम्परेचर 40.6 सेंटीग्रेड हाई हुआ है। दो गेम्स खेली आप लोगों को, पहले दिखाया था 48 था, यहाँ पर आप लोगों का 6% या बल्कि 5% आप लोगों का यहाँ पे बैटरी का लेवल जो है वो डिक्रीज हुआ है, और आप लोगों का यहाँ पे ऑलमोस्ट 6% जो है आप लोगों की टेम्परेचर राइज हुआ है। यहाँ मैं आप लोगों को चेक करवाता हूँ पुराना स्क्रीनशॉट ताकि आप लोगों को आइडिया हो जाए। यहाँ पे आप देखें 48% आप लोगों की बैटरी थी और 34.4 सेंटीग्रेड टेम्परेचर था, अब 40.6 सेंटीग्रेड टेम्परेचर है और आपकी जो बैटरी का लेवल है वो भी मैं आप लोगों को अगेन दोबारा चेक करवा देता हूँ बैटरी लॉक की ऐप को ओपन करके। तो आप देखिए 43% आप लोगों का टेम्परेचर हो गया और 40.0 सेंटीग्रेड आप लोगों का टेम्परेचर हो गया, टेम्परेचर ऐसा ऐसा कम हो रहा है। तो हीटिंग वगैरह का स्टिल अभी तक मुझे इस डिवाइस के अंदर कोई भी इशू देखने को नहीं मिला। अब मैं एक रेंगल मैप लगाऊंगा, साथ में वीडियो को रिकॉर्ड भी ऑन कर लेता हूँ। यहाँ पर अगर आप देखें तो आपको उनको वीडियो रिकॉर्डिंग का ऑप्शन मिल जाता है, इस तरह अगर क्लिक करते हैं तो ये देखें यहाँ पर मैं वीडियो रिकॉर्डिंग ऑन कर रहा हूँ इसकी, ये लें मैंने वीडियो रिकॉर्डिंग ऑन कर ली है इसकी। अब मैं यहाँ पे एरेंगल मोड लगाने लगा था, एरेंगल के अलावा दूसरा मोड लग गया, तो यहाँ पे मैं दोबारा एग्जिट आता हूँ। मैं समझा था कि एरेंगल मैप लग गया पर चेयर पार्क लग गया, कोई मसला नहीं, चेयर पार्क में भी हम चेक कर लेते हैं कि आप लोगों को यहाँ पे कैसी वर्किंग मिलती है पबजी की। इस वक्त डिवाइस HD के साथ हाइपर रन हो रही है, फिर मैं आप लोगों को स्मूथ पर भी दिखाऊंगा। अभी HD के साथ हाइपर देखिए, यहाँ पे हम अपनी गन्स ले लेते हैं M416 स्कारल, यहाँ पे हम गोलियों को भी पकड़ लेते हैं, और यहाँ पे आप देखें तो HD के साथ हाइपर, मैं एक बार सेटिंग देख लूँ HD, मुझे लग रहा स्मूथ कर ली थी मैंने,
नहीं H3 के साथ हाई पड़ी है, ये देखें जरा आप। यहाँ पे देखें आपको गाड़ी को मैंने ब्लास्ट कर दिया और आप लोगों को कुछ इस तरह के HD के साथ हाइपर टेक्सचर देखने को मिल रहे हैं। ये भी एक गाड़ी है, इसको भी हम उड़ा देते हैं। किसी किस्म का कोई इशू अभी तक मुझे इसकी टेक्नो की इस पॉवर डिवाइस के अंदर देखने को नहीं मिला। या मैंने आप लोगों को कट्स वगैरह लगा के आप लोगों को शायद पता ना चले, पर इस वक्त जो मैं गेम आप लोगों को दिखा रहा हूँ वो आधे घंटे से ऊपर का टाइम गुजर चुका हुआ और डिवाइस अभी तक कोई भी हीटिंग वगैरह का इशू नहीं प्रोड्यूस कर रही, कोई फ्रेम ड्रॉप नहीं मिल रहा, कोई लैग वगैरह नहीं मिल रहा, किसी किस्म का कोई इशू मुझे नहीं अभी तक इस डिवाइस के अंदर देखने को मिला। डिवाइस काफ़ी स्मूथ तरीके से पबजी को रन कर रही है। और मैं फर्दर यहाँ पे चेक कर लेता हूँ, मैं आप लोगों को जायरो भी चेक करवाता हूँ। मुझे याद है मैं बस यहाँ पे अपनी एक्सटेंडेड मैक वगैरह पकड़ के हम चलते हैं आगे और आप लोगों को जायरो दिखाते हैं। अच्छा आप ये देखें आपको HD के साथ हाइपर कैसी डिटेलिंग मिलती है। आसमान स्काई की तरफ देखें, स्काई कुछ आप लोगों को इस तरह का देखने को मिल जाता है। यहाँ पर हम गाड़ी पर आप लोगों को चला के भी दिखाते हैं, सैर करवाता हूँ आप लोगों को मैं पबजी के इस मैप की। ये देखें अब मैं यहाँ पे स्मूथ के साथ हाई पर जाने लगा हूँ, स्मूथ के साथ सॉरी अल्ट्रा पर जाने लगा हूँ, स्मूथ के साथ अल्ट्रा पर शिफ्ट हो रहा हूँ। और अब आप देखें, देखिए फ़र्क क्या मिलता है आप लोगों का, इधर ही देखना अब ये। और अब मैं आपको HD के साथ हाई पर दिखाता हूँ, देखिए टेक्सचर यहाँ पर इम्प्लीमेंट हो जाएंगे। ये देखें ये इसी को देख लेना आप यहाँ पर गाड़ी को। अब मैं दोबारा वापस जा रहा हूँ स्मूथ के साथ अल्ट्रा पर, तो देखें आपने यहाँ पर देखा कि टेक्स्चर आप लोगों को जो वो देखने को मिल जाते हैं। कुछ यही फ़र्क आप लोगों को कुछ ग्राफिक्स के अंदर देखने को मिलता है। और स्मूथ के साथ अल्ट्रा पर अगेन आप लोगों को बता रहा हूँ, गेम प्ले करेंगे तो आप लोगों का एक्सपीरियंस जो वो ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। अब हम जायरो को चेक कर लेते हैं बिना टाइम ज़ाय किए। मैं गया यहाँ पे बेसिक सेटिंग्स में, जायरोस्कोप ये आपको ऑप्शन मिल जाता है जायरोस्कोप का, इस पर मैं क्लिक करने लगा हूँ तो जायरोस्कोप ये यहाँ पे जो है वो ऑन हो गई है। इसका मतलब है कि ये डिवाइस जायरो को सपोर्ट करती है, पर इसमें कोई डेडिकेटेड सेंसर नहीं लगाया गया। तो जायरो देखते हैं कि अब कैसा वर्क करता है। ये देखें आप लोगों को जायरो को कुछ इस तरह की वर्किंग मिल रही है। ये यहाँ पे जायरो को मैंने ऑन कर लिया, आप लोगों को कुछ इस तरह की वर्किंग मिल रही है, बिल्कुल माइनर सा डिले मिल रहा है। ये देखिए मैं ऊपर कर रहा हूँ, ये नीचे कर रहा हूँ, ये बिल्कुल लाइट सा डिले मिल रहा है। ये मैं कह सकता हूँ कि आप लोगों को इन्फिनिक्स के हॉट 10 से और टेक्नो के स्पार्क 6 से बेहतर जायरो मिलता है। पर जो जायरो आप लोगों को इन्फिनिक्स के हॉट आई के अंदर देखने को मिल रहा था, क्योंकि आपको डेडिकेटेड जायरो को सेंसर दिया गया था, वो यहाँ पे आपको नहीं मिल रहा। तो बेहतर ये है कि अगर आप जायरो पे प्ले करना चाहते हैं तो इन्फिनिक्स के हॉट आई की तरफ जाएँ। पर स्टिल आपका बजट अगर 23,500 या 25,000 है तो उस प्राइस टैग में भी आप जायरो को इन्जॉय कर सकते हैं। ये देखें आप लोगों को जायरो ये मिलती है यहाँ पर, मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। अब ये देखें, ये देखिए ये थोड़ा सा जो है ना डिले देखने को मिल रहा है, थोड़ा सा डिले, ज़्यादा नहीं कहूँगा, थोड़ा सा डिले देखने को मिल रहा है। तो यही थी एक डिटेल पबजी टेस्ट की वीडियो। अब हम अपने बैटरी लॉक की ऐप को ओपन करके टेस्ट कर लेते हैं कि टेम्परेचर कितना इंक्रीज़ हुआ है और बैटरी का लेवल क्या बना है। यहाँ पर हम इसको ऑफ कर देते हैं अपनी रिकॉर्डिंग को और बैटरी लॉक की ऐप में गए हम। 41% बैटरी लेवल और 43.7 सेंटीग्रेड आपका टेम्परेचर हो गया है। चेक कर लेते हैं पहले कितना था, पहले हम चेक कर लेते हैं अपनी गैलरी में जाके। तो पहले 48% बैटरी थी, 34.4 सेंटीग्रेड आपकी टेम्परेचर था, अब 41 हो गया है, यानी कि आप लोगों का टेम्परेचर ऑलमोस्ट 7% इंक्रीज़ हो गया है और बैटरी आप लोगों की ऑलमोस्ट 8% जो है वो डाउन हुई है। आप लोगों को मैं दोबारा चेक करवा देता हूँ कि क्या आप टेम्परेचर मिलता है आप लोगों को। देखिए ये डाउन होने लग के टेम्परेचर वापस जो है ना फ़ौरन से टेम्परेचर जो है कूल हो रहा है। 41% बैटरी और 43.0 सेंटीग्रेड आप लोगों का टेम्परेचर होता है। यही एक डिटेल पबजी टेस्ट की वीडियो थी। कैसी लगी आप लोगों को ये वीडियो मुझे कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएगा। अपने आखिरी ओपिनियन दूँ पबजी टेस्ट के रिलेटेड तो कोई इशू नहीं देखने को मिला स्मूथ के साथ अल्ट्रा पर, काफ़ी अच्छे यहाँ पे आप लोगों को पबजी की वर्किंग देखने को मिली। यहाँ पे कोई भी डिले नहीं मिला यहाँ पे, ना तो इसने कोई टच वगैरह को मिसिंग है। अक्सर होता है ना कि आप लोग
लोग यहाँ पे फायर कर रहे हो तो थोड़ा फायर का रिस्पॉन्स रेट आप लोगों को डिले में मिल रहा हो, ऐसा कोई इशू मुझे इस डिवाइस के अंदर नहीं मिला। एच डी के साथ हाई पर भी इसने कोई हीटिंग नहीं प्रोड्यूस की, कोई फ्रेम ड्रॉप नहीं मिला, कोई लैग वगैरह मुझे इस डिवाइस के अंदर देखने को नहीं मिला। हाँ, जायरो से रिलेटेड थोड़ा सा इशू ये देखने को मिला कि जायरो के अंदर इतनी ज़्यादा स्मूथनेस नहीं थी, आप लोग जो ऊपर करते हैं तो वहाँ पर स्मूथनेस नहीं मिल रही थी। पर यह कहूँगा कि टेक्नो स्पार्क 6 और इन्फिनिक्स के हॉट 10 से बेहतर जायरो की सपोर्ट आप लोगों को टेक्नो के इस पोवा डिवाइस के अंदर मिल जाती है। तो अगर आप लोग एक ऐसी डिवाइस चाहते हैं जो कि 25,000 रुपए के अंदर आप लोगों को एक गेमिंग बीस डिवाइस परफॉर्मेंस प्रोवाइड करे, तो मेरे ख्याल से आप लोगों को इस डिवाइस को जरूर एक बार कंसीडर करना चाहिए। ये मेरे फाइनल ओपिनियंस हैं, एक गेमिंग रिव्यू है इस डिवाइस का पबजी से रिलेटेड। आप लोगों ने मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है कि आप लोगों की डिवाइस कैसी लगी है, मुझे जा दें। मैं हूं मोहसिन नकवी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।